जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1 अगस्त से हवाई यात्रा करना महंगा हो जाएगा। यूजर डेवलपमेंट फीस की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी एयरपोर्ट के विकास को एक नई गति देगी। दरअसल अडानी समूह जयपुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों में करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। यह निवेश फेज मैनर में किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मास्टर प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट पर न केवल नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, साथ ही मौजूदा टर्मिनल में यात्रियों की सुरक्षा और वर्ल्ड क्लास स्तरीय सुविधा देने के लिए भी कवायद की जाएगी। दरअसल एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भवन T3 बनना प्रस्तावित है, साथ ही मौजूदा टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर नए विकास कार्य कराए जाने हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 55 लाख यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की है। एयरपोर्ट प्रशासन का अनुमान है कि यात्रियों की यह संख्या मार्च 2027 तक करीब 98 लाख हो जाएगी। इस बढ़ते हुए यात्री भार को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। टर्मिनल 2 में भी विस्तार कार्य किए जाने हैं। इसके तहत अतिरिक्त बोर्डिंग गेट और प्रवेश द्वार शुरू किए जा रहे हैं। वहीं यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया में अतिरिक्त लोगों के लिए बैठने की जगह, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम में सुधार और पिकअप और ड्रॉप ऑफ जोन का निर्माण किया जाएगा। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा टर्मिनल 3। अभी टर्मिनल 2 है 29,246 वर्ग मीटर, टर्मिनल 1 का क्षेत्रफल 11,529 वर्ग मीटर। मौजूदा टर्मिनल 2 की तुलना में 5 गुना से भी बड़ा होगा टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 के निर्माण पर करीब 2,476 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एलिवेटेड डिपार्चर और अराइवल रोड बनाने पर 312 करोड़ रुपए होंगे खर्च। टर्मिनल 2 के अपग्रेडेशन पर भी करीब 279 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। विमानों की पार्किंग क्षमता बढ़ाने के लिए एप्रन में करीब 34 करोड़ होंगे खर्च। सालाना 1,20,00,000 यात्रियों को हैंडल करने की होगी क्षमता। 22,500 मीट्रिक टन क्षमता का इंटीग्रेटेड कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण भी प्रस्तावित। अडानी समूह के 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के इन दावों के दूसरी तरफ आम यात्रियों पर अब नया बोझ पड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जयपुर एयरपोर्ट पर होने वाले इन विकास कार्यों को देखते हुए अडानी समूह को जयपुर एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस की दरें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 1 अगस्त से दी गई UDF की दरें बढ़ाने के लिए मंजूरी। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दी मंजूरी। अभी घरेलू डिपार्चर के यात्रियों पर UDF 394 रुपए, 1 अगस्त से वर्ष 2024-25 के लिए हो जाएगा 805 रुपए, वर्ष 2025-26 के लिए 875 रुपए, 2026-27 के लिए लगेंगे 980 रुपए। अभी इंटरनेशनल डिपार्चर पर 1,237 रुपए UDF चार्ज, 1 अगस्त से वर्ष 2024-25 के लिए लगेंगे 980 रुपए, वर्ष 2025-26 के लिए 1,260, 2026-27 के लिए 1,400 रुपए लगेंगे। बढ़ी हुई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी, यानी जयपुर एयरपोर्ट से 1 अगस्त से हवाई यात्रा करना महंगा हो जाएगा। इन दरों में हर साल अप्रैल में बढ़ोतरी होगी। अथॉरिटी ने जयपुर एयरपोर्ट पर मार्च 2027 तक दरें बढ़ाने की मंजूरी दी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6,000 करोड़ का निवेश और निवेश के बाद जयपुर एयरपोर्ट की किस्मत चमकाने का दावा, लेकिन इन सब के बीच UDF दरों में बढ़ोतरी और यात्रियों की जेब पर पड़ता हुआ भार। सवाल तो यही उठता है कि तमाम दावों के बावजूद भी जयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं के अंदर कब वृद्धि होगी, क्योंकि देखा यह गया है कि जब जब UDF दरें बढ़ाई गई हैं उसके बाद व्यवस्थाएँ और बदहाल हुई हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।